हेलो एवरीवन, लास्ट टॉपिक जो हमने कवर किया था विच वाज वेनिकुलम मेथड। हमने उसके रूल्स के हिसाब से वेनिकुलम टू नॉर्मल नंबर, नॉर्मल टू वेनिकुलम नंबर, ये हम समझे हैं। अब इसी चीज को नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में कैसे यूज किया जा सकता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। आज हम समझते हैं सब्ट्रैक्शन विथ वेनिकुलम नंबर्स। सो वेनिकुलम नंबर सब्ट्रैक्शन, नॉर्मल हम अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं ऑलवेज वी हैव टू डू अ बोरोइंग्स। वैदिक मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वी कांट डू एनी बोरोइंग, वी डोंट हैव टू डू एनी बोरोइंग्स। सो अगर नॉर्मल हमारा क्वेश्चन है 72 माइनस 31, दिस इज द सिंपल वन, 2 माइनस 1 विल बी 1, 7 माइनस 4 विल बी 4। बट वॉट इफ वी हैव 48 माइनस 39, वॉट वी हैव टू डू नाउ, वॉट वी विल डू इज जो नीचे का नंबर है, अभी जैसे ये एक नंबर है इसको हम बोल देंगे माइन्यूएंड, ये होता है अपना सब्ट्रैहेंड, एंड द आंसर वॉट वी गेट इज नेट डिफरेंस। दिस इज द नॉर्मल मैथ्स, करेक्ट। बट इसके बीच में एक नंबर हमें मिलेगा विच विल बी कॉम्प्लीमेंट फॉर द सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ये हमें ढूंढना है। हाउ वी विल फाइंड इट, कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है, तो ये जो सब्ट्राहेंड है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1, करेक्ट, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट विल ऑलवेज बी अ 10 और 100, सो इसका सब्ट्राहेंड हो गया 1। जैसे ही हमने यहाँ पे सब्ट्राहेंड लिया है, एज पर द शुद्ध मेथड वी विल डू अ डॉट और अ स्टार टू द नेक्स्ट डिजिट। नाउ जो हमने कॉम्प्लीमेंट लिया है उसको और इसको प्लस कर देना है, माइन्यूएंड एंड कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों को प्लस करके हमें लिखना है 9। दिस विल बी एस प्लस, दिस इज द साइन ऑफ 1, सो वी गॉट 4 हियर, सो 4 माइनस 4 विल गेट 0, दिस इज अवर आंसर। सो द नेट डिफरेंस विल बी दिस, दिस वी हैव टू फाइंड आउट, एंड नॉर्मल हमें विदाउट बोरोइंग्स ये चीज करनी है जिससे आंसर क्विकली भी हो जाता है प्लस बोरोइंग्स के मिस्टेक्स नहीं होते हैं। अब हम एक सम ऐसा करते हैं जिसमें बोरोइंग्स आता हो, नॉर्मल मेथड में हम कैसे करते हैं और वैदिक मैथ्स के हिसाब से कैसे करते हैं वो समझते हैं। लेट अस ट्राई 931 माइनस 542, ठीक है। नाउ फर्स्ट लेट अस टेक मोर बिगर नंबर सो दैट थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम हो जाए अपना, ठीक है। ये सॉल्व करने के बाद एक बड़ा प्रॉब्लम भी लेते हैं जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन ज्यादा आता हो। अब 1 में से 2 तो जाएगा नहीं, सो व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट फॉर 2, इट इज 8। नाउ वी हैव टू डू एडिशन ऑफ दिस 2 विच विल गिव अस 9। वी हैव टू डू डॉट हियर बिकॉज कॉम्प्लीमेंट हमने ढूंढना है, दिस गिव्स अस 5। अब 3 में से 5 जाएगा नहीं, अगेन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 इज 5 विल मेक डॉट हियर, 5 एंड 3 विल बी 8, 9 माइनस 6 विल बी 3, दिस इज अवर आंसर। अब यही चीज हम नॉर्मल मैथ्स में कैसे करते हैं, बच्चे को हम क्या सिखाते हैं, बोरो करो, ये नहीं जाएगा, बोरो करो। 11 माइनस 2 इज 9, 2 में से 4 नहीं जाएगा, बोरो करो। अब यहाँ पे बच्चा मिस्टेक क्या कर जाता है, ये क्रॉस करके 2 लिख दिया, 2 के ऊपर 10 लिख दिया, तो अभी 12 काउंट करना है, 13 काउंट करना है या सिर्फ 10 काउंट करना है, यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। देन 12 में से 4 गया 8, नाउ दिस इज 8, 8 माइनस 5 विल बी 3, करेक्ट, आंसर विल बी द सेम बट प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट, और अगर उसमें कहीं मिस्टेक हो गई वी कांट रेक्टिफाई इट। अगर वही चीज यहाँ पे होती है, हम यहाँ पे डॉट लगाना सपोज भूल गए हैं, 8 प्लस 1 विल बी 9, अब यहाँ पे हम कर नहीं सकते, हम यहाँ पे अगर लिख देते हैं बोरो कॉम्प्लीमेंट नंबर इज 6 तो हम इसका कैलकुलेशन लिखेंगे 9, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अगर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आता है अपना ध्यान जाएगा कि यहाँ पे मैंने कॉम्प्लीमेंट जब लिया है तो यहाँ पे भी लिया ही होगा, तो यहाँ पे लिया है हमने डॉट किया नहीं है, इमिजिएट अपना ध्यान जाएगा, हम तुरंत उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, करेक्ट। This is how we can do subtraction for vernacular numbers. So यही चीज
आगे हमें बहुत काम आती है, इसीलिए वेनिकुलम नंबर्स को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि ऐसे कोई भी बड़े बड़े प्रॉब्लम हो, सब्ट्रैक्शन के हो चाहे एडिशन हो, आगे हम मल्टीप्लिकेशन भी सीखेंगे, इसी के थ्रू हमें टेबल्स, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स कैसे बनाना है थ्रू वेनिकुलम नंबर्स, ये भी हम आगे वाले वीडियो में सीखेंगे।